छत्तीसगढ़ में भी अन्य राज्यों की तरह प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स में मेरिट लिस्ट में स्थानीय प्राथमिकता देने के लिए कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने सीएम भूपेश बघेल से आग्रह किया है। डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया कि छत्तीसगढ़ के संसाधनों पर पहला अधिकार छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों का होना चाहिए। स्थानीय लोगों को प्राथमिकता से मौका देने पर राज्य के लिए कितना फायदेमंद है, इस मुद्दे पर आईएमए के सदस्य डॉक्टर राकेश गुप्ता से स्वराज एक्सप्रेस की खास बातचीत देखिए। एक बार फिर छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है और वो तमाम बातें सामने लाकर रख दी है जो चलती का नाम गाड़ी है इस रूप में चलता रहा है, यानी कि एडजस्टमेंट एक की जगह दो, दो की जगह एक से काम चलाया जा रहा था। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर क्यों नहीं बच रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आईएमए के सदस्य हैं और हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इतना डॉक्टरों की कमी क्यों है? अगर हम रेशियो को देखें, जिस रेशियो के हिसाब से डॉक्टर होना चाहिए, वो आज भी कम है। देखिए, छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेज कम थे, लेकिन अब ये नहीं कहा जा सकता कि छत्तीसगढ़ में कम मेडिकल कॉलेज हैं। एम्स मिलाकर और दो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलाकर 11 मेडिकल कॉलेज हैं। यहाँ स्थानीय स्टूडेंट्स की बात करें तो करीबन 1500 स्टूडेंट प्रति वर्ष एमबीबीएस बनकर निकलते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें मैनेजमेंट कोटे से अधिकतर बाहरी छात्र एडमिशन ले लेते हैं। तो करीब 250 सीटें जो हैं उनमें से करीब 100 स्टूडेंट बाहर के होते हैं, जो छत्तीसगढ़ के बाहर एमबीबीएस करके चले जाते हैं। स्थानीय डॉक्टर्स की संख्या कम होती है, सेंट्रल कोटे से जो लोग आते हैं वो भी छत्तीसगढ़ को अपना राज्य नहीं समझते हैं। तो कुल मिला के 1400 से 1500 सीटों के बीच में छत्तीसगढ़ को 700 और 800 स्थानीय निवासी ही मिल पाते हैं। ज्यादातर लोग राज्य के बाहर के होते हैं, इसलिए वो अपने आप को छत्तीसगढ़ की कर्मभूमि का नहीं मानते हैं, इसलिए कमी बनी रहती है। जी, कमी का कारण तो ये स्पष्ट है कि लोग बाहर से आते हैं, लेकिन क्या सभी राज्यों में यही स्थिति है कि सभी राज्यों में कोटे के आते हैं या कुछ राज्यों में ये बैन है? देखिए, कर्नाटक तो अपने कोटे की सीटें बहुत कम देता है सेंट्रल कोटे में, लेकिन जो राज्य पहले से सहमत हैं कि अपनी सीटें वो देंगे केंद्र सरकार के कोटे में, वहाँ पर 25% बाहर के राज्य के आते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि जिन जिन राज्यों में अधिक संख्या में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, 15 हैं, 20 हैं, छत्तीसगढ़ में तो केवल दो ही हैं, एक चंदूलाल चंद्राकर स्मृति मेडिकल कॉलेज अभी बंद है। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के संसाधन उपयोग होने चाहिए, यहाँ के छात्रों को ही प्रवेश दिया जाना चाहिए, यहाँ के छात्र बाहर जाकर पढ़ते हैं, यदि यहाँ पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ ही सेवाएं देंगे और छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। जी, तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि मदद मिलेगी, और क्या कारण हो सकते हैं और कौन कौन से उपाय हो सकते हैं जिसे डॉक्टर छत्तीसगढ़ में बढ़ाए जा सकते हैं? क्या मेडिकल कॉलेज बढ़ाने की जरूरत है या बाहरी सीट को रोकने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के छात्रों को छत्तीसगढ़ में ही सीट मिले तो वो यहाँ न केवल फीस ही यहाँ उपयोग होगी, बल्कि यहाँ यदि पढ़ेंगे तो उनका लगाव थोड़ा ज़्यादा रहता है छत्तीसगढ़ में ही काम करने का। छत्तीसगढ़ बना इसीलिए है कि यहाँ के मूल निवासियों को मेरिट के आधार पर या हक के आधार पर उनको हक मिले। यहाँ मेडिकल कॉलेजेस की कमी थी जो करीब करीब दूर कर ली गई है, लेकिन यदि यहाँ के छात्रों को पीजी एमबीबीएस में मौका मिलेगा तो यहाँ के छात्र यहीं रह के काम करना चाहेंगे, घर के बाहर जाके काम करना कौन चाहता है। ये तमाम समस्याओं के समाधान के रूप में ये कहा जा रहा है कि जो बाहर से जो बच्चे एडमिशन दिए जा रहे हैं, जो एमबीबीएस में, खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल में, उनको बंद कर दिया जाए तो यहाँ के जो प्रतिभा है जो कुछ अंकों से चूक जाते हैं और वो दूसरे कोर्स में जाने को मजबूर हो जाते हैं, तो ऐसे में उनको महत्व मिलेगा और ये जो समस्या जो बनी हुई है उसका समाधान होगा। अब देखना ही होगा सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। हालांकि पहले सरकार कई ऐसे कड़े फैसले ले चुके हैं जो कई सारे नौकरी में स्थानीय को प्राथमिकता दिया गया है। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। कोरोना के संक्रमण